सारी गाड़ियां इधर वॉश हो रही हैं इस टाइम। इतना जो क्राउड दे इकट्ठा गाड़ी लिया, जितनी भी गाड़ियां देखी है ना, सबसे प्यारे इसी गाड़ी के मुझे रिम्स लगे हैं। मैंने आपको ही पकड़ा है, वो इसके अंदर टूट गई है। अब इसका कोई हल देखते हैं। तो कैसे हैं आप सब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ऑटो शो पेशावर पे, पार्कविल्स वालों ने जो करवाया है। और हमारी गाड़ियाँ इधर वॉश हो रही हैं इस टाइम, उसको शैम्पू वगैरह मैंने लगा लिया, तो जो बाकी सफाई का काम है तो वो मैंने शरोज भाई के जिम्मे किया। तो इस टाइम इसको खुश कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिश वगैरह करेंगे। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जिनके मैंने स्टेटस वगैरह देखे हैं जो कि पेशावर की तरफ आ रहे हैं और उनकी काफ़ी मज़े की गाड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स चलते हैं, अब लाली को पॉलिश वगैरह करते हैं और उसके बाद कुछ रोलिंग शॉट्स आपको चेक करवाते हैं और फिर उसके बाद सीधा ही मिलते हैं जाके शो पर। फाइनली आज आपके भाई ने भी इतना जहाँ क्राउड तो इकट्ठा कर ही लिया और बड़ी खुशी हुई। लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने बड़ी जान से गाड़ी को देखा और काफ़ी पसंद आई पेशावर के भाइयों को, आप सब भाइयों को बहुत पसंद आई गाड़ी हमारी, हमारी लाली। और अब आप कुछ गाड़ियां चेक करवाते हैं। इस तरह वो सामने रिबॉन वगैरह खड़ी हैं और इधर ये लाइन अप हुई है, बहुत ही डिसेंट सेटअप किया हुआ है इन्होंने भाई। यहाँ पे बड़े ही कोई ना मज़े की गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो जो हम देखने आए थे मेन चीज़ ये है कि करोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना मॉडिफाई करते हैं। यार ये इंडस चेक करो आप लोग, बहुत ही प्यारा कलर करवाया इसने अपनी लाली के साथ का कलर है और साथ ये वाइट रिम्स के साथ इसने कम्बिनेशन किया और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ये गाड़ी। और ये चेक करें 195 नज़र आई है, ये कोई आम 195 नहीं है, ये असल में है हैचबैक और इसमें इंजन भाई ने बहुत ही नफासत से इसमें इंस्टॉल किया हुआ है और इंजन बे की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंजन बे है। और उसके बाद ये K70 खड़ी है जी 3SG बीम्स के साथ
आगे इन्होंने चार लाइटें लगाई हुई हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत नीट एंड क्लीन है। अंदर से इंजन बेस का बिल्कुल टकाटक वायरिंग हुई हुई है इसकी, और ये पेंट चेक कर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पेंट करवाया हुआ इन्होंने। फिर ये कुछ शोर मचाती इस भाई ने भी माशाल्लाह काफी क्राउड इकट्ठा किया हुआ है। अरे ये गाड़ी चेक करेंगे, ये डॉक्टर साहब की गाड़ी लग रही है, ये मेरे ख्याल में काफी मशहूर है टिकटॉक पे भी। ये एक और 2000 मॉडल नजर आई है, आप लोगों को चेक करवाता हूं। इसका कैंडी रेड हुआ अपना, तो दूसरा रेड है ना अपना ग्लॉसी रेड, ये कैंडी रेड है, ये चेक करें। इसका पेंट आपके भाई को काफी पसंद आया, रिम्स भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही प्यारे लगाए हैं। चेक करें माशाल्लाह, इन्होंने क्रांजे पे ड्रॉप की हुई है और इंजन बेस का नीट एंड क्लीन है और बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन किया हुआ इन्होंने। ये ईएफ है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी ड्रॉप की हुई है इन्होंने, ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक इसको रिम्स लगाए हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी नाइस फिटमेंट है इसकी भी। शराड चेक करें जी, टू डोर शराड और इसको T37 लगाए हुए हैं आगे भी और पीछे भी 7JJ में, और माशाल्लाह इसका पेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हुआ है, ये चेक करें। और सिविक 2000 ब्लैक एंड वाइट के साथ बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन और डेड ड्रॉप, ये चेक करें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी भाई ने तैयार की है। और सिंपल आगे स्टेशन वैगन का इन्होंने फ्रंट लगाया है और साथ में इसको वर्क के व्हील्स लगाए हुए हैं, लेकिन ड्रॉप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये कलर की शाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। तो भाई ये चेक करो, ये लव खड़े हैं आपके भाई के, ये चेक करें, आए 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 क्या गाड़ियां हैं यार। और वो परे मर्सिडीज खड़ी है कन्वर्टेबल, और इस तरह यहाँ पे मैं आपको गाड़ियां दिखाने पे आऊँ तो ये तो कल हो जाएगी मुझे। और एक ये एक खड़ी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बनाई हुई है भाई ने, अंदर सिंगल बकेट सीट डाली हुई है और इंजन बे चेक करें कमाल। और उसके बाद ये 350Z है, वो भी 350Z है, वो मस्त है। और आगे इसी तरह गाड़ियां ही गाड़ियां। और इस पूरे शो में जो आपके भाई को भी पसंद आया ना, वो आप ये चेक करें, हाय 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 क्या बात है यार, चस करा दी इन व्हील्स ने। और इन्होंने लाइट्स भी बिल्कुल ब्रांड न्यू लगाई हुई हैं डिपो की, और बहुत ही प्यारा पेंट हुआ है इस पर। और इसके बाद इस पर आया हुआ इसका स्पॉइलर लगा हुआ है और डिपो की टेल लाइट्स लगी हुई हैं। और इसके ओनर से पूछती हैं उन्होंने ये अलैरिम्स कहाँ से लिए और कितने के लिए। सर क्या हाल चाल हैं? अच्छा बॉस ये बताएं कि आपने ये व्हील्स कहाँ से लिए और कितने के लिए? यार ये व्हील्स मैं लाहौर से लिए थे। अच्छा सही, केडीएम पार्ट्स नाम से जो काम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये हैं 16 इंच 9JJ ऑल, और यूनिक है, यही सोच थी कि ऐसे रिम्स लगाऊं। नहीं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ देखी है ना, सबसे प्यारे इसी गाड़ी के मुझे रिम्स लगे हैं। मैंने आपको ही पकड़ा सिर्फ यही पूछने के लिए कि ये रिम्स आपने कितने के लिए। बस यही बहुत होता है इतनी मेहनत के बाद जब ये बात सुनने को मिलती है इंसान को। सही बात सही बात, इंसान की जो मेहनत होती है बस यहाँ पे आगे पूरी होती है। सही बात, चलें ठीक ओके। तो भाई फिलहाल मैं बैठ के आराम फरमा रहा हूँ, तो आप लोग इतने में ये सिनेमैटिक्स कुछ शॉट्स चेक करें, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं।
फ्रेंड्स शो हो गया एंड, और आपके भाई का जो है मोबाइल उसकी स्टोरेज भी फुल हो गई है क्योंकि आपको पता है ये 64 GB है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो काफ़ी पसंद आया होगा, सब भाइयों ने काफ़ी इन्जॉय किया, आपके भाई ने छोटा सा सही लेकिन क्राउड इकट्ठा कर लिया आज, और काफ़ी खुशी हुई। पेशावर वाले भाई जो थे उनको काफ़ी गाड़ी पसंद आई, अगर आप में से कोई भाई वीडियो देख रहा है तो काफ़ी पसंद आई पेशावर वालों की गाड़ी हमारी लाली। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पेशावर वाले भाइयों का जिन्होंने इतना प्यार दिया आपके भाई को। बहुत प्यारा शहर है ये, फर्स्ट टाइम मेरा आना हुआ है इधर, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे घूम फिर के। तो फिलहाल सीन ये है कि वाजिद भाई की जो हैच है वो हम छोड़ने लगे हैं इधर ही, ये लाली को लेके जाएंगे वापस, और उनका ये प्लान है कि उन्होंने ये गाड़ी है अब सेल करनी, तो जो उनके पहले वाले व्हील्स हैं वो उतार के हमने वापस लगा देने हैं, और वो वाले जो व्हील्स हैं वो वापस इधर ही लगा देने हैं। तो व्हील चेंज करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि ये वाले व्हील्स अब अपनी लाली पे कैसे लगते हैं। तो दूसरे मोबाइल की बैटरी जो है वो भी डेड हो गई है जो मैंने भाई से पकड़ा था, अब ये खोखर साहब का मोबाइल पकड़ा और उनसे ले गए इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लोग निकाली है जी लाली ने आफ्टर रोटा स्पून, और वाजिद भाई गॉन बैक 37, और एक ये बिग हैंड हो गया हमारे साथ जो एल की थी वो इसके अंदर टूट गई है। अब इसका कोई हल देखते हैं कि ये किस तरह निकलवाना है। तो यहाँ से अब निकलते हैं और फिर देखते हैं जलालत प्रो मैक्स ही ना हो जाए आज। Few moments later. सीधी चुड़ी है ना? हाँ हाँ ऐसे ऐसे खुलेगा। याद ही नहीं रहा वर्कशॉप में, लेकिन याद नहीं, आपने बताया ही नहीं कि मैं वो ज़हन में नहीं रहा। बस हवा निकल गई। तो फाइनली हमारा जो रिम है वो पूरी तरह से फिट हो गया और अब तो अब हम चलते हैं अपनी वापसी की मंजिल की तरफ। तो ये हमारे साथ भाई थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट किया और सारा इन्होंने हमें घुमा के रख दिया पूरा पेशावर। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अब देखते हैं किस टाइम हम घर पहुंचते हैं, टाइम तो काफ़ी हो चुका है, अभी खाना खाना भी खाना है, फिर यहाँ से बॉर्डर पे चढ़नी है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है। चले फिर अल्लाह हाफिज़।